हेलो फ्रेंड, देखिए ये है एलएनटी कंपनी का सुपरनोवा सीरीज का ईएमएक्स 4i सॉफ्ट स्टार्टर। आज मैं इसकी टर्मिनल टिल्ट के बारे में बताने वाला हूँ, किस टर्मिनल पे कौन से कनेक्शन करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ कर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी ऑक्सीजन सप्लाई की। तो ऑक्सीजन सप्लाई फ्रेंड्स हम यहाँ पे लगाते हैं, जैसा कि हमने लगाया हुआ है A2 A3 A1 खाली रहेगा। A2 A3 पे इसकी ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ पे लगाई जाती है। देखिए नीचे दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन सप्लाई लगाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं इसके स्टार्ट स्टॉप जो कमांड आती है उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख लिखा देख सकते हैं 10 11 12। जो 11 होता है इसका एक कॉमन कॉन्टेक्ट होता है, यानी कि ये कॉमन में कनेक्शन इसका किया जाता है। जैसे कि हमने क्या है R16, और ये पोटेंशियल फ्री होता है, सबसे बड़ी बात है पोटेंशियल फ्री होता है। और 10 नंबर और 11 ये यहाँ पे रिसेट के कनेक्शन किए जाते हैं। रिसेट में NC कॉन्टेक्ट यूज किया जाता है, जो रिसेट का कॉन्टेक्ट होता है ब्लॉक होता है उस पर NC ब्लॉक लगाया जाता है रिसेट के लिए इस वाले सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर। बाकी जो सॉफ्ट स्टार्टर दोनों में NO कॉन्टेक्ट होता है रिसेट के लिए, बट इस वाले EMX4i जो सॉफ्ट स्टार्टर है जो LNT सुपरनोवा सीरीज का है, इसमें 11 और 10 पे NC कॉन्टेक्ट लगाया जाता है रिसेट के लिए। और स्टार्ट कमांड यहाँ से दी जाती है, जो एक कंट्रोल ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर यूज किया जाता है स्टार्ट कमांड पे, तो उसका यहाँ पे फीडबैक दी जाती है स्टार्ट के लिए, यानी 11 और 12 पे जो है वो दी जाते हैं यहाँ पे स्टार्ट कमांड। तो यहाँ पे जो है सॉफ्ट स्टार्टर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं 13 14 15 जो टर्मिनल होते हैं वो होते हैं डिजिटल इनपुट। जो 13 14 होता है वो डिजिटल 1 होता है, जो कि प्रोग्रामेबल होता है। डिफॉल्ट में ट्रिप कॉन्टेक्ट यहाँ पे NO में ये यूज कर सकते हैं। ऐसे ही 13 15 भी ट्रिप कॉन्टेक्ट होता है डिजिटल इनपुट डिफॉल्ट में, और ये भी ट्रिप में यहाँ पे डिफॉल्ट में रहता है। ये यहाँ देख सकते हैं टर्मिनल नंबर B3 B4 होता है, ये होता है एनालॉग इनपुट, जिसको थर्मिस्टर इनपुट भी बोलते हैं। N2122 होता है एनालॉग आउटपुट। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट को यूज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड इसमें 2 डिजिटल आउटपुट कॉन्टेक्ट होते हैं, जिसका टर्मिनल नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं 41 42 44 होता है। देखिए 41 42 44 41 जो 42 होता है NC होता है, 41 44 यहाँ पे NO होता है। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा आउटपुट कॉन्टेक्ट होता है वो होता है यहाँ पे 53 54, जिसको आउटपुट B और इसको आउटपुट A बोलते हैं। और जो टर्न नंबर 33 34 होता है, जो मेन कॉन्टेक्टर आप यहाँ से पिक करा सकते हैं बाईपास वगैरह के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो उसमें यहाँ पे उस कॉन्टेक्टर को यूज कर सकते हैं। जो कॉन्टेक्टर आपको यहाँ से पिक करना है यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं, रन की कमांड यहाँ से ले सकते हैं। यानी कि जो इसके अंदर कॉन्टेक्टर होता है, जो मेन कॉन्टेक्टर होता है, उसके आउटपुट यहाँ पे एक NO कॉन्टेक्ट यहाँ पे मिलता है। जब ये रन कमांड में आ जाता है तो वहाँ यहाँ पे NC हो जाता है, यानी कि सॉफ्ट स्टार्टर का जो रन कमांड होती है, यानी कि स्टार्ट कमांड होती है, जब स्टार्ट हो जाता है कॉन्टेक्टर पिक हो जाता है, इसके अंदर जो कॉन्टेक्टर लगा होता है उसकी यहाँ पे NC यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस सॉफ्ट स्टार्टर की जो है टर्मिनल वायरिंग कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।